जय हिंद वंदे मातरम साथियों, दुखद खबर भारतीय सेना के जवानों की ओर से निकल कर आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र के गांव हनुतपुरा के 38 साल के जांबाज सैनिक बाबूलाल जाट मां भारती की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शहादत की खबर क्षेत्र में मिलते ही सन्नाटा पसर गया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से लगा लेना ये धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के खवास इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में राजस्थान के जयपुर जिले के शाहपुरा के जवान बाबूलाल जाट वीरगति को प्राप्त हुए हैं। 38 साल के बाबूलाल शाहपुरा के समीप हनुतपुरा गांव की डोंगरी वाली ढाणी के रहने वाले थे और सेना की 8 जाट रेजिमेंट में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शुक्रवार शाम को शुरू हुई थी। इस बीच 3 जवान घायल हो गए थे, इन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान 3 शहीद हो गए। इनमें शाहपुरा के बाबूलाल जाट भी शामिल है। हम चैन से सो पाए इसलिए ही वो सो गया, वो भारतीय फौजी ही था जो आज शहीद हो गया, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। बताते चले कि सेना की ओर से शनिवार तड़के सुबह 3 बजे शहीद के बड़े भाई बैरूलाल को फोन कर इसकी सूचना दी गई। बैरूलाल गांव में ही शहीद के घर के पास रहते हैं। छोटे भाई की शहादत की खबर सुनकर वे भी सन्न रह गए, लेकिन परिवार में किसी को कुछ नहीं बताया। बड़े भाई के लिए सबसे मुश्किल घड़ी थी कि कैसे भी इस परिवार को संभाला जाए और अपने लाडले की शहादत के बारे में बताया जाए, इसलिए वे तुरंत ही घर से निकल गए और अब तक किसी को भी कुछ नहीं बताया है। बाबूलाल जाट अपने पिता गुलराम की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए जुलाई में 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन शाहपुरा में निजी हॉस्पिटल में सफल कराने के बाद 29 जुलाई को ही ड्यूटी पर श्रीनगर निकले थे। शहीद के परिवार में बुजुर्ग पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। माँ का 1 साल पहले ही निधन हो चुका है। बाबूलाल जाट का पुत्र विशाल सीकर में MBBS की तैयारी कर रहा है। वहीं छोटा बेटा विशेष जयपुर के बगरू में 11वीं क्लास में साइंस का फाउंडेशन कोर्स कर रहा है। उनके बेटे को पिता के निधन के बारे में पता नहीं लगे, इसके लिए परिजनों ने दोनों पुत्रों के पास 1-1 व्यक्ति को भेज दिया है। उनके बेटे मोबाइल पर शहीद बाबूलाल जाट की जानकारी तब तक नहीं जान ले सकेंगे जब तक पार्थिव देह गाँव नहीं आ जाए। शहीद की पार्थिव देह रविवार दोपहर बाद गांव लाई जाएगी। तब तक परिवार को इसकी पता ना लगे, इसलिए गांव वाले घर के बाहर नहीं जुट रहे। शहीद के रिश्तेदारों को सूचना दे दी गई है, वे भी गांव में आकर दूसरे घरों में रुक गए हैं। जैसे ही शहादत की खबर मिली तो क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। शहादत की खबर मिलते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि देश की रक्षा के लिए आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए राजस्थान के वीर सपूत हवलदार श्री बाबूलाल हरितवाल को सादर श्रद्धांजलि। दुख की इस घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ पूर्ण संवेदना से खड़े हैं। आपके इस अदम्य साहस व सर्वोच्च बलिदान का देश सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवान बाबूलाल जाट भारतीय सेना के 8 जाट रेजिमेंट के जवान थे। वहीं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तैनात थे। आतंकियों से लोह लेते हुए मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। आगे के अपडेट के लिए बने रहें अपर असम यूट्यूब चैनल के।